प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने धान उपार्जन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लिखे गए चिट्ठी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान उपार्जन की मात्रा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने 85 लाख टन धान खरीदने की घोषणा की थी, तब मुख्यमंत्री का बयान था कि देश में खाद्यान्न संकट है, इनको चावल लेना मजबूरी है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अब 61 लाख टन कर दिया गया तो वे चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाए। आपका खेल समाप्त हो चुका है, आप बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए राजनीति करना बंद कीजिए। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी धान उपार्जन की मात्रा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने 85 लाख टन धान खरीदने की घोषणा की थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था कि देश में खाद्यान्न संकट है, इनको चावल लेना मजबूरी है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं करके। अब 61 लाख टन कर दिया गया तो वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। इनके मंत्री कहते हैं विधानसभा में कि केंद्र सरकार हमको कोई मदद धान खरीदी के लिए नहीं करती, चावल भी हम अपने दम पर व्यवस्थित कर लेंगे, किसी की हमको जरूरत नहीं है। तो आज पत्र लिख के क्या बताना चाहते हैं? चावल उपार्जन पर वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। आप कुछ भी घोषणा विधानसभा में कर दें और उसके लिए बाहर निकल के राजनीति करें, ये छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपने ग्रामीण आवास के बारे में विधानसभा में कहा था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सर्वे करवाएंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाएंगे और उसके बाद मकान की स्वीकृति करेंगे। अब आप केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। विधानसभा में आपने नहीं कहा था कि केंद्र सरकार को पत्र लिख के मैं ग्रामीण आवास की स्वीकृति करूंगा। आपने सर्वे एक बार नहीं दो बार करवा लिया, आज की तारीख तक एक भी ग्रामीण आवास की स्वीकृति नहीं हुई है और न ही पुरानी स्वीकृति के लोगों को किस्त मिल रहे हैं। तो आप गरीबों के साथ भी राजनीति कर रहे हैं, किसानों के साथ भी राजनीति कर रहे हैं और चुनाव के समय जब आपको असफलता दिख रही है तो सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी पर आपकी राजनीति टिकी हुई है, केंद्र सरकार की आलोचना पर आपकी राजनीति टिकी हुई है और फर्जी बयानों पर और फर्जी विज्ञापनों पर आपकी राजनीति टिकी हुई है। अब आपका खेल समाप्त हो चुका है, आप बेनकाब हो चुके हैं, आपकी पार्टी बेनकाब हो चुकी है, इसलिए राजनीति करना बंद कीजिए और छत्तीसगढ़ की जनता को आवास उपलब्ध करवाइए और दाना दाना धान खरीदिए जैसा आपने घोषणा पत्र में लिखा है। और बाकी सब बातें जो आप कह रहे हैं वो कोई भी विश्वास नहीं करेगा आपकी बयानबाजी में। जय हिंद, जय भाजपा।